हिमाचल प्रदेश की सियासत पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि विक्रमादित्य सिंह प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं। अब प्रियंका राज्य में गुटबाजी को कम करने और स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने अनिरुद्ध सिंह और मुकेश अग्निहोत्री से भी मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने विक्रमादित्य को कहा है कि आप हिमाचल में कांग्रेस का भविष्य हैं, तो ये सरकार बचाने की कवायद है। गुटबाजी कम करने में प्रियंका गांधी जुटी हुई हैं। विक्रमादित्य जो कि इस्तीफा देते हैं, हमने पूरा नाटकीय घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में देखा और जब विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया उसके बाद उनको मनाया गया, लेकिन राज्यसभा की सीट तो कांग्रेस के हाथ से निकल गई हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद सवाल सरकार को बचाने का था कि कितने समय तक सरकार स्थिर रहेगी। ऐसे में अब विक्रमादित्य को ये आश्वासन दिया गया है कि भविष्य तो आप ही हैं, आप युवा चेहरा हैं, तो जो गुटबाजी है, जो आपसी मतभेद है, उसको कम करने में प्रियंका यहां पर जुटी हुई है ताकि लोकसभा चुनावों में पार्टी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए। और सुक्खू सरकार पर फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन जो विक्रमादित्य खेमे के विधायक थे, हमने देखा उनको अयोग्य करार दिया जाता है, वो विधायकों से मिलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। अब प्रियंका के संपर्क में विक्रमादित्य हैं और गुटबाजी कम करने की कोशिश यहां पर प्रियंका की है, क्योंकि सुक्खू जो कहते आए हैं कि सरकार 5 साल का मैंडेट दिया है पूरा करेगी, लेकिन सरकार कितने दिनों तक स्थिर रह पाएगी ये भी देखना होगा। और ये भी सूत्रों के हवाले से पहले जानकारी थी कि लोकसभा चुनाव तक ही सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे हिमाचल में। अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, प्रियंका के संपर्क में है विक्रमादित्य, आप ही चेहरा हैं, आप ही भविष्य हैं, तो क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल में मुख्यमंत्री बदल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से इस बात की संभावना लगातार बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव तक ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की बगावत इतनी ज्यादा है, गुस्सा इतना ज्यादा है, नाराजगी इतनी ज्यादा है, और खासतौर से केंद्रीय मंत्री वो आरोप लगाते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके विभाग में हस्तक्षेप करते हैं, उनके जो पसंदीदा ऑफिसर हैं वो उनको काम नहीं करने देते। इन सब बातों को लेकर प्रियंका गांधी के साथ लगातार मुलाकात हो रही है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं, रुद्र सिंह मिले हैं, विक्रमादित्य सिंह मिले हैं। कुल मिलाकर के विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह से कहा कि उनका परिवार काफी समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है, वीरभद्र सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे, तो आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। फिलहाल बगावत रोकने के लिए प्रियंका गांधी ने कमर कस ली और लगातार बैठकें कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें अरुण, तो विक्रमादित्य सिंह के जो करीबी विधायक थे उनको अयोग्य करार दिया गया, तो यहाँ पर प्रियंका की सरकार बचाने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त तो चुनौती यही है ना कि 5 साल का जो मैंडेट मिला है वो पूरा किया जा सके। देखिए, एक और गौर करने वाली बात है कि जिन 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, उन्होंने अभी तक कोर्ट का रुख नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों वो अपने अधिकार नहीं पाना चाहते? क्या लोकसभा चुनाव के साथ उन रिक्त पदों पर चुनाव करवाना है? क्या होना है? इन सब रणनीति के बारे में, और जो 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी क्वाड्रेटी, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह है, 3 और सदस्य नामित किए जाने, उन पर भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि संघ को टालने की कोशिश की गई थी उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, इस बारे में प्रियंका गांधी अब आगे बात कर रही हैं। ठीक है, शुक्रिया अरुण आपका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें कुछ नए चेहरे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। अमित मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये मंत्रिमंडल विस्तार पहले से ये खबरें थी कि आज होगा, लेकिन इसमें कौन कौन मंत्री के रूप में शपथ ले सकता है ये बताइए, और आरएलडी से पहले 2 की खबरें थी, अब क्या 1 को जगह मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सूत्र हमारे बताता है कि वो आज कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं शाम 5 बजे। सूत्र ये भी बताता है कि दारा सिंह चौहान जो कि मऊ से आते हैं और बीजेपी के नेता है, और विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन फिर उनकी घर वापसी हुई, वो बीजेपी में आए, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। आरएलडी कोटे से 1 मंत्री बन सकते हैं, ये बता रहे हैं। अभी हाल ही में औपचारिक ऐलान हुआ जिसमें आरएलडी ने एनडीए का पार्ट हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें तो रामपुर से आकाश सक्सेना जो बीजेपी के विधायक है वो भी मंत्री पद की शपथ ले है। ठीक है, तो हमें दरअसल जानकारी देते हुए कि इसमें कौन कौन मंत्री बनाया जा सकता है, दारा सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, इसके अलावा ओपी राजभर आरएलडी कोटे से 1 मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, क्योंकि सवाल लोकसभा की 80 सीटों का है। ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसमें कोशिश योगी सरकार की यही है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।
पीएम मोदी आज हैदराबाद में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नागरिक उड़ियन अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद संगारेड्डी में 6800 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे, तो उनका ये हैदराबाद दौरा काफी अहम हो जाता है। 350 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बने नागरिक उड़ियन अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी करने वाले हैं, और उसके अलावा संगारेड्डी में भी विकास की सौगात मिलने वाली है। तो ऐसे में पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा काफी अहम हो जाता है। नागरिक उड़ियन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन तो करेंगे और इसकी जो लागत आई है इससे रोजगार लोगों को मिलेगा, तो पीएम मोदी के पिटारे में आज काफी कुछ है। हैदराबाद को कई परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं और उसके बाद वो संगारेड्डी भी जाएंगे, 6800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे और चंडीखोल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसमें भी पीएम मोदी क्या बोलते हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि परिवारवाद पर हमला बोला, लालू यादव के बयान पर हमला बोला, तो आज की जनसभा में बड़ी बातें वो क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इससे पहले अदालत ने ट्रंप को कोलोराडो के लिए रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, उन्होंने इसे बड़ी जीत बताया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर लगा प्रतिबंध हट गया है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप इसे बड़ी जीत बता रहे हैं और अपनी जीत तो डोनाल्ड ट्रंप इसे बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जीत भी इसे बता रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा संकट टल गया है। और हमने देखा कि कोर्ट ने ट्रंप को रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसका सीधा सा मतलब यह हुआ था कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे राष्ट्रपति का, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसी वजह से इसे वो अमेरिका की जीत बता रहे हैं। जम्मू के कुख्यात गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मौके से पंजाब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो गैंगस्टर मोहन की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या उसके दोस्त ने ही की। जम्मू का गैंगस्टर राजेश डोगरा अपने दोस्त के साथ पंजाब घूमने गया था और दोस्त ही उसकी हत्या कर देता है। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज ही सामने आया है। आप ये देखिए कि जिस दोस्त को गिरफ्तार किया गया है, शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है कि इस दोस्त की पत्नी के साथ गैंगस्टर के संबंध थे, ये पुलिस कह रही है। ऐसे में अब इस दोस्त को पकड़ा गया है। ये बकायदा जम्मू से घूमने जाता है गैंगस्टर के साथ पंजाब, और पहले से ही घटना प्लान की हुई थी, तो हत्या कर देता है पहले से प्लानिंग के तहत, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, तो आरोपी को पकड़ना भी आसान हो गया। क्या सिर्फ यही वजह है, और कोई रंजिश है, या ये दोस्त सिर्फ मोहरा है, किसी और के कहने पर गैंगस्टर की हत्या हुई है, ये जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गैंगस्टर की है, मोहन ये गैंगस्टर का नाम है, जो कि जम्मू का बड़ा गैंगस्टर, कई मामलों में वांछित था, इसका काफी रसूख था, गुंडई थी। अब ये मारा गया है और इसके दोस्त ने ही इसकी हत्या की है।